दोस्तों नमस्कार। कई बार गायों में देखा जाता है कि जब भी वो बच्चा देने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, इतनी सूजन आ जाती है कि चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। आज ये समस्या हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है सांगवान डेयरी फार्म से, और ये लिखते हैं रामावत वेट ज्ञान लिख करके कमेंट किया है, तो भाई लेना तो ज़रूरी था ही था, क्योंकि जितने भी रामावत वेट ज्ञान लिख करके कमेंट आते हैं उन पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। सर मेरे पास एक हीपर कटिया है और उसके डिलीवरी के 10 दिन बाकी है। सुनिएगा, डिलीवरी के 10 दिन बाकी है, हीपर कटिया इनके पास है, लेकिन उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, उसको चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका प्लीज़ कोई ट्रीटमेंट बताइए। देखिए गायों में ये समस्या कम होती है, भैंसों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये समस्या होती है एक्चुअली ये एडेमेटस स्वेलिंग है, पानी भरी सूजन है, जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं करती है, लेकिन आपने कहा कि सर चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। तो एक विशेष बात आप नोट कीजिए, विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जहाँ तक हो सके कोई ट्रीटमेंट ना करवाएं, लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, आपको लगता है कि यार स्थिति जो है वो मुझे ख़राब लग रही है, मेरी गाय ज़्यादा डाउन है, तब आप ये सोचिए कि आपकी गाय को बच्चा देने में कितने दिन बाकी है। अगर मान लीजिए बच्चा देने में 3 दिन बाकी है, कितने दिन बाकी है, 3 से 5 दिन। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि भाई 3 से 5 दिन में बच्चा देने वाली है, ये पता अनुभव से आता है और धीरे धीरे आप में अनुभव हो जाएगा। आप बिल्कुल देख के पहचान सकते हैं, टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अभी यार ये 5 दिन तो बच्चा नहीं देगी, लेकिन इसके प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो अगर इस समय से पहले प्रॉब्लम हो रही है, तब मैं जो 2 प्रकार की गोलियां बता रहा हूं, ये आप दे सकते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है उसको चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। मात्र 2 दिन सुबह सुबह ये गोलियां देनी है, बाकी नहीं देनी है, सिर्फ 2 दिन देनी है, ज़्यादा देने से नुकसान हो सकता है। वो गोलियाँ कौन कौन सी है उनमें देखिए, नंबर 1 पर एक टेबलेट है जिसका नाम है लेसिक्स। ये लेसिक्स जो टैबलेट है ये ह्यूमन की टैबलेट है, कितने देनी है, 3 टैबलेट, वो भी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से आपको देनी रहेगी 3 टैबलेट। लेकिन साथ में एक बड़ी बोलस, देखो जो टैबलेट आती है ह्यूमन की आती है, छोटी गोली आती है, लेकिन बड़ी बोलस जिसका नाम है सेराकाइंड प्लस वेट, जिसको आपने कई बार मेरे वीडियो में सुना होगा, सेराकाइंड प्लस वेट, ये जो गोली है सेराकाइन प्लस वेट की, ये आपको 2 गोली सुबह सुबह देनी होती है, और ये देना कितने दिन है, मात्र 2 दिन। ऐसा नहीं होगी आप लगातार चालू रख लें, मात्र 2 दिन दीजिए, उससे एक बार के लिए आराम मिल जाता है, जितने में बच्चा देने का समय नज़दीक आ जाएगा और आपकी कटड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा इनके इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके टेबलेट यूज़ कीजिए। लेसिक्स में फ्रूसेमाइड सॉल्ट है और फ्रूसेमाइड सॉल्ट का इंजेक्शन आता है रिमोट वेट, पशु चिकित्सक लगा सकते हैं। सेराकाइन प्लस वेट दर्द सूजन बुखार की है, तो इसकी जगह कई इंजेक्शन दर्द सूजन बुखार के आते हैं लगा करके, और अकड़न को कम किया जाता है, लेकिन इलाज तभी करना है जब वाकई समस्या ज़्यादा है।